बच्चे कहीं कोरोना पीड़ित ना हो जाए, हमारा कंसर्न इसी को लेकर के है। मुझे तो लगता है कि बच्चों की जिंदगी से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है। बच्चियां की बलि क्यों चढ़ाई जा रही है? आज चंडीगढ़ में कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़े लेवल पे धरना किया जा रहा है। ये धरना चंडीगढ़ के 35 सेक्टर के कांग्रेस भवन के बिल्कुल ही सामने किया जा रहा है, जिसमें चंडीगढ़ के कांग्रेस के कई नेता और युवा नेता भी इसमें शामिल हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से चंडीगढ़ के युवा और चंडीगढ़ के नेताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन JEE और NEET की परीक्षाओं को रद्द करने के लिए किया जा रहा है। आए दिन पहले भी आपने देखा था कि हमारी अर्थप्रकाश टीम ने आपको दिखाया था कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के जो युवा हैं उनकी तरफ से किरण खेर के घर का भी घिराव किया गया, जिसको रोकने के लिए चंडीगढ़ की पुलिस बल द्वारा उनकी युवा कांग्रेस के नेताओं को रोकने के लिए, कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बल का भी उपयोग किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम बात करते हैं चंडीगढ़ के कई नेताओं से, कई कार्यकर्ताओं से, वो आपको बताएंगे कि क्या चीज़ को लेकर, क्या मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर ये आज यहाँ पर भारी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप छाबड़ा जी, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस धरने को लेकर, इस जो आंदोलन है छात्रों के लिए, जो आंदोलन उनकी तरफ से किया जा रहा है, पूरे भारत भर में किया जा रहा है, उस पर इनका क्या कहना है? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार कि जो JEE NET का एग्ज़ाम हो रहा है उसको पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि अगर आज पोस्टपोन भी हो जाता तब भी हम अपना सेशन कंप्लीट कर सकते हैं अगले साल अगस्त तक, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार, कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, 50-400 किलोमीटर दूर सेंटर बने हुए हैं, बच्चे कहीं कोरोना पीड़ित ना हो जाएं, हमारा कंसर्न इसी को लेकर के है। इस देश को संभालने की ज़रूरत है, इन बच्चों का भविष्य संभालने की ज़रूरत है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन हम एक मैसेज देना चाहेंगे मोदी सरकार को कि सदन तुम्हारा, सड़क हमारा। मैम, ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है लगातार कांग्रेस के युवा अभी तक कर रहे थे, अब की बार आज के दिन कांग्रेस के तरफ से जो वरिष्ठ नेता है वो भी आज रोड पर उतरे हैं, तो इस पर आप क्या कहना? देखिए, ये हमारे बच्चों का सवाल है, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। देश की सरकारें इस तरह से को नहीं कह सकती कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी जिस पे स्टेक पे लगे। इसलिए अगर NEET JEE की परीक्षाएं हो रही हैं तो मैं तो इस बात पे ये कहना चाहूँगी कि सरकार के लिए बच्चों की ज़िंदगी से बढ़कर कोई परीक्षा है तो वो NEET JEE की परीक्षा ले ले। मुझे तो लगता है कि बच्चों की ज़िंदगी से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है, हमारे देश का ही ये एग्ज़ाम है। और जब से लॉकडाउन हुआ है रिसोर्सेज की कमी है, बच्चों के कहीं पर बाढ़ आई हुई है देश में, कहीं पर और प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई जो है वो सहूलियतें नहीं मिल रही हैं, क्लासेस नहीं लग रही हैं, ट्यूटर्स नहीं मिल रहे हैं। फाइनल मार्च की परीक्षाओं के बाद बच्चे इस बारे में तैयारी करना शुरू करते हैं और तब से लगातार रिसोर्सेज की कमी बच्चों को देखने में मिली है। किन्ने किन्ने लखां बंदे जड़े है इंडिया दे ग्रस्त हो चुके हैं, दे नाल किन्नियां मौतां हो चुकी हैं, उदे विच साडे बच्चियां दी बलि क्यों चढ़ाई जा रही है? एक माता पिता बच्चे का परवरिश करते करते इस मुकाम तक आता है कि वो अज साडा बच्चा किसी मेडिकल लाइन च या इंजीनियरिंग लाइन च जाएगा, लेकिन करोना का जब इन्ना वड्डा तंग साडे उपर घूम रहा है तो जिथे असी इन्ने महीने वेट की है, ये परीक्षावां अप्रैल मई के हो जाती है, जब इन्ने महीने वेट की है तो होर दो महीने वेट करन च की प्रॉब्लम है? हमारे साथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुरप्रीत गाबी जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे इस मसले को लेकर, जो JEE है और NET का मसला है वो पूरे भारत में एक तरह से कई पार्टियां बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं, जहां कांग्रेस इसमें अहम रोल निभा रही है, वहां जो अन्य पार्टियां हैं वो उनके कार्यकर्ता रोडों पर उतरे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारे जो चंडीगढ़ की तरफ से जो कांग्रेस के कई लोग हैं, कई सदस्य हैं जो इसके, वो रोडों पर उतर के प्रदर्शन, आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसमें गाबी साहब का जानना चाहेंगे हम, क्या कहते हैं?
देखिए आप, एक सिंपल सी बात है कि 25 लाख स्टूडेंट हैं जो जेईई और नीट के एग्ज़ाम में बैठेंगे आकर के। 25 लाख स्टूडेंट्स का मतलब है कि 25 लाख परिवार, और एक परिवार में अगर आप चार लोगों को भी जोड़ते हो तो ये आंकड़ा 1 करोड़ के करीब बन जाता है। और अगर वो 1 करोड़ लोग दो दो लोगों के टच में भी चले गए तो वह आंकड़ा 3 करोड़ के पास चला जाएगा। तो ये सरकार क्यों नहीं ये बात समझना चाहती कि आप एक मैसिव लेवल के ऊपर इस इन्फेक्शन को फैलाने के लिए काम करने लगे हो। सर आपका नाम? मैं हरमेल केसरी हूँ, चंडीगढ़ कांग्रेस का सदस्य हूँ। सर किस मुद्दे को लेकर आप प्रदर्शन? आज हम जो छात्राओं की परीक्षा सरकार लेने पर अड़ी हुई है, उस परीक्षाओं को NNT और JEE की जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम और जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है उसको लेकर हम उसको परीक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि छात्राओं से खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि ये छात्र ही हमारे देश का भविष्य है। नीट और JEE की परीक्षाओं के विरोध में आज चंडीगढ़ में कांग्रेस की तरफ से कई कार्यकर्ता रोड पर उतरे और उनको रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस को वाटर कैनन का भी सहारा लेना पड़ा। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से विरोध किया जा रहा था, पूरे भारत में भर में ये विरोध अभी भी जारी है। पिछले दिनों भी ये विरोध चलता रहा, कल भी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारों ने भी इनके विरोध में पुलिस बल का सहारा लिया। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं राहुल तिवारी, आर्ट प्रकाश न्यूज चंडीगढ़। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आर्ट प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।